चाय। थैंक यू बट नासरा कहाँ है, उसको कह दिया करो, सारे काम खुद क्यों करती हो? प्रेग्नेंट हूँ मैं, बीमार नहीं हूँ। वैसे बात ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है, स्पेशली मेरे लिए। आंटी का रवैया मेरे साथ कितना बदल गया है। ये तो है। अब बस तुम्हें बहुत अच्छी सी जॉब मिल जानी चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो आंटी मुझे दिल से कबूल कर लेंगी। हर वक्त तुम्हें अपने सास की फिक्र रहती है, कभी बेचारे शोहर के बारे में भी सोच लिया करो कि ये बेचारा क्या सोचता है, इसका दिल क्या चाह रहा है, लेकिन नहीं, हर वक्त आंटी 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 आंटी। अव्वल तो मेरा शोहर बेचारा नहीं है। अच्छा। दूसरा ये कि उसके दिल में क्या है मुझे अच्छी तरह पता है। इबाद, मैं सोच रही थी कि मुझे भी तुम्हारे साथ जॉब अप्लाई कर देनी चाहिए। अच्छा है ना, दोनों साथ जॉब पे जाएंगे। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन तुम घर के ऑलरेडी इतने काम कर रही होती हो तो मैं तुम्हें ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहता। साफ साफ कहो ना, तुम्हें यही डर है कि मुझे तुमसे बेहतर नौकरी मिल सकती है। Well, you never know. लेकिन honestly, मैं चाहता हूँ कि कोई मुश्किल कोई परेशानी तुम तक ना आए, मैं सबके सामने ढाल बन के खड़ा होना चाहता हूँ। किधर जा रही हो अब? घर के काम किसी जॉब से कम थोड़ी हैं। और वैसे भी आंटी बता रही थी शाम को शीमा पा वगैरह आ रही। ओह गॉड, नॉट अगेन। पता नहीं इनके साथ क्या मसला है, हर दूसरे दिन नाजिल हो जाती हैं, इनका कोई इलाज करना पड़ेगा। और सुनो, तुम्हें और अम्मी को कोई दस दस खाने बनाने की जरूरत नहीं, सादा सा खाना बनाना वही उनके सामने रखना। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो।